नियमों के मुताबिक बाइक के पीछे और आगे की नंबर प्लेट पर सिर्फ नंबर लिखे जा सकते हैं, वह भी आरटीओ की गाइडलाइन के अनुसार। लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है कि कुछ युवा बाइक पर अजीबोगरीब लैंग्वेज में नंबर लिखवाते हैं। औरैया जिले के एसपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। एसपी अभिषेक वर्मा ने पोस्ट में लिखा, आज औरैया पुलिस की नज़र एक बाइक पर पड़ी जिसमें बाइक की नंबर प्लेट पर लिखा था कि बोल देना पाल साहब आए थे। उस पर बैठे युवकों को ये नहीं पता था कि ये सवारी आई तो सही लेकिन जा नहीं पाएगी। ये तो वही बात हुई, राह में चलते मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। इस पोस्ट के बाद कुछ तस्वीरें भी शेयर की जिसमें तीनों युवक कारागार में बैठे हुए हैं। बीजेपी की जीत और पुलिस फिर से एक बार एक्शन मोड में दिखने लगी है, जहां औरैया पुलिस ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए औरैया जिले के एसपी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उन अपराधियों को चेतावनी भी दी गई है और उन लोगों को भी चेताया गया है जो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने या लोगों को धमकाने का काम करते हैं। दरअसल एसपी अभिषेक वर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल पर शाम को एक पोस्ट के साथ तीन तस्वीरें शेयर की, जिसमें पहली तस्वीर में एक मॉडिफाइड बाइक पर तीन युवक बैठे हुए हैं, दूसरी में उस बाइक की नंबर प्लेट पर लिखा था कि बोल देना कि पाल साहब आए थे, तीसरी तस्वीर में तीनों युवक अजीतमल कोतवाली के कारागार में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही एसपी ने इस तस्वीर और पोस्ट के साथ मजाकिया तरीके से गाने के साथ लिखा कि राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। इस पोस्ट के बाद लोगों ने पुलिस की तारीफ के साथ साथ एसपी की इस पोस्ट की भी तारीफ की है। वहीं पुलिस ने इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर डालने के साथ तीनों युवकों की फोटो को ब्लर कर दिया है। एसपी अभिषेक वर्मा की इस पोस्ट के शेयर करने के बाद यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अपराधी किसी भी तरह की हरकतें करने का मन में भी ना लाएं। अगर कोई भी युवा या फिर अपराध करने की सोच भी रहा है तो उनके लिए औरैया पुलिस 24 घंटे उपलब्ध है। एसपी की इस पोस्ट से औरैया जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए देखते हैं इस मामले पर एसपी अभिषेक वर्मा ने क्या कहा। औरैया पुलिस द्वारा एक मोटरसाइकिल जिसमें पीछे लिखा हुआ था बोल देना पाल साहब आए थे, ऐसी एक मोटरसाइकिल को सीज किया गया है और उस मोटरसाइकिल पर तीन व्यक्ति सवार थे जिनका नाम अंकित पाल, शिवम पाल और छोटू पाल हैं। ये सभी कानपुर देहात के रहने वाले हैं और जनपद औरैया में कुछ जगह घूमने के लिए आए हुए थे। पुलिस द्वारा चेकिंग के उपरांत इनको रोका गया है। इस मोटरसाइकिल के विषय में अवगत कराना है कि ये मोटरसाइकिल सन 2011 की खरीदी हुई है और इसमें आज तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिस वजह से इसमें आगे पीछे कोई नंबर नहीं पड़ा हुआ था। इन सभी तीनों जो बाइक सवार थे इनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। साथ में इसमें IPC 279 465 में इनके खिलाफ FIR लिखी गई है और इस मोटरसाइकिल को भी सीज कर लिया गया है और ये जितने भी लोग इस मोटरसाइकिल में बैठे थे उनको न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और आगे जो विधिक कार्रवाई है वो उसमें जारी रहेगी।